नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अक्षय जैन है। मैं स्पाइन सर्जन हूँ और इंदौर में काम करता हूँ। करेंटली मैं विशेष जुपिटर हॉस्पिटल में हेड ऑफ स्पाइन एंड हेड ऑफ कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ। रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो भी तकलीफें हैं उसके लिए ट्रीटमेंट करता हूँ और ऑपरेशन करता हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मीनिंग होता है जोड़ों का आर्थराइटिस, मतलब तो जोड़ों की हड्डियों में सूजन आना या घिसाव होना। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो जनरली उम्र के साथ होने वाले जोड़ों में घिसाव को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में जो दूसरे आर्थराइटिस होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये यंग एज में होने वाले किसी प्रॉब्लम के कारण जोड़ों में घिसाव। तो जिस तरह उम्र के साथ में शरीर के बाकी जोड़ जो कि वजन लेते हैं जैसे घुटने का जोड़, टखने का जोड़, इनमें घिसाव होता है, उसी तरह स्पाइन के जोड़ में, रीढ़ की हड्डी के जोड़ में भी घिसाव होता है। आमतौर पर रीढ़ की हड्डी में जो कमर का हिस्सा है, लोअर बैक जिसे हम बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा वजन लेता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या लोअर बैक, जब कमर के जोड़ों में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो कमर दर्द की शिकायत चालू हो जाती है। आमतौर पर ये दर्द जो है रेस्ट पोजिशन से जब हम चलना चालू करते हैं, जब जोड़ पे प्रेशर आता है तो ये पेन करता है। साथ साथ में आर्थराइटिस होने के कारण वहां पर एक टिश्यू होता है जिसको लिगामेंटम फ्लेमम बोलते हैं, वो उसकी साइज भी धीरे धीरे समय के साथ में बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे उसकी साइज बढ़ती है वैसे वैसे लंबर केनाल स्टिनोसिस मतलब कमर की नस का दबाव बढ़ता चला जाता है। कमर का दर्द धीरे धीरे पांव के खिंचाव में तब्दील होना चालू होता है और धीरे धीरे खड़े रहने और चलने की समस्या बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में कमर को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम शुरुआती दिनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकें, मतलब हमारी कमर को हम शुरुआती दिनों से ही मजबूत रख सके, तो ये आर्थराइटिस नहीं डेवलप होगा। कमर को मजबूत रखने के दो तरीके हैं। एक है एक्सरसाइज, जिससे कि हम मांसपेशियों को मजबूत रख सकते हैं। हम जो कमर मजबूती की एक्सटेंसर मसल्स की एक्सरसाइजेज है, मतलब सही तरीके से पेट के बल लेट कर और सीधा लेट के जितनी भी एक्सरसाइजेज रहती हैं, प्लस हम हमारे पोस्चर मतलब बैठने का तरीका, झुकने का तरीका, वजन उठाने का तरीका, इन दोनों चीजों का ध्यान रखें तो समय के साथ में कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ साथ में एक पर्टिकुलर एज होने के बाद में कैल्शियम, विटामिन डी और पोषक आहार ये अगर हम लेते रहेंगे तो कमर की हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। ये दोनों चीजें करने से हम कमर को लंबे से लंबे समय तक मजबूत रख सकते हैं। थैंक यू।